मेरू कैंप में मनाया गया बीएसएफ का स्थापना दिवस। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। वहीं बीएसएफ के डीजी समेत कई बड़े अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि शहीदों को यह देश हमेशा याद रखेगा। कहा, कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उसका बॉर्डर सुरक्षित हो। कहा, भाजपा के सत्ता में आने के बाद देश में उग्रवादी हिंसा में कमी आई है। उन्होंने झारखंड के बूढ़ा पहाड़ को उग्रवादियों से मुक्त कराए जाने पर सुरक्षा बलों की खूब तारीफ भी की। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मत करो भाई मेरे, हजारीबाग ना हो। बहादुर शहीद किशन कुमार को अपने आखिरी सांस तक मातृभूमि के रक्षा के लिए अंतिम बलिदान दिए। राष्ट्रपति वैली ने अधिकार सही करने वाले I don't think I'm going to rise.
सीमा सुरक्षा बल के 59वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबके साथ यहां उपस्थित हूं। जीवन पर्यंत कर्तव्य ये सिर्फ बीएसएफ का घोष वाक्य नहीं है। 1900 से ज्यादा सीमा प्रहरियों ने अपनी जान का बलिदान देकर, अपने सर्वोच्च बलिदान देकर जीवन पर्यंत कर्तव्य के घोष वाक्य को चरितार्थ किया है और न जाने अगिनत लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का सुवर्ण काल -45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के रेगिस्तान के अंदर, कहीं हरामी नाला के दलदलों में तो कहीं बंगाल की सीमाओं पर सुंदरनगर के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की चौकसी सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं देश भर में घूमता हूं, पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पर नाज भी करता है और सैल्यूट भी करता है। मेरे 5 वर्ष के गृह मंत्री के अनुभव में जब भी किसी भी सीमा पर जो बीएसएफ के अधीन है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, दुश्मन ने जरा सी भी हलचल की और सूचना आती है तो चिंता स्वाभाविक होती है, मगर साथ में ही सूचना आती है बीएसएफ कंट्रोल रूम से कि हमारे जवान तैनात है, तब मैं आपके भरोसे आराम की नींद सोता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं।